बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अंडे का पराठा बनाएंगे बिना आटा गूंधे और बिना पेड़ा बनाए, बिना रोटी बेले। हम ये अंडे का पराठा बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। उसके लिए हमें एक अदद अंडा चाहिए, हाफ कप मैदा और हाफ कप दूध, मतलब जितना हमें मैदा हम जितना लेंगे उतना ही दूध लेंगे, और हाफ टी स्पून है नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पहले हम अंडा लेंगे, उसमें हम नमक डालेंगे, अंडे को हम अच्छे से फेंट लेंगे। इसमें हम आधा मैदा अभी डालेंगे। आधा दूध डालना, एक साथ हमें पूरा नहीं डालना है। हमें इसे अच्छे से फेंटना है कि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रहे। ये हम बाकी बचा हुआ भी मैदा डालेंगे और बाकी बचा हुआ दूध भी डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए एकदम अच्छे से ये फेंट चुका है, इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है, एकदम ये स्मूथ सा बैटर तैयार हुआ है। बैटर हमारा एकदम रेडी है पराठा बनाने के लिए। अब हम गैस के फ्लेम को ऑन करेंगे। पैन को हम अच्छे से गर्म करेंगे और उस पर घी या तेल, आपको जिसमें भी पराठा बनाना है वो अप्लाई करेंगे सब तरफ अच्छे से। मैं यहाँ पर तेल लगा रही हूँ, आप चाहे तो घी भी लगा सकते हैं। अच्छे से लगाने के बाद हम इसमें ये एक चम्मच बैटर डालेंगे। और बैटर को हम अच्छे से फैलाएंगे। इसे हम थोड़ी देर पकने देंगे, फिर पलटेंगे। ये देखिए हमारा पराठा बहुत अच्छे से, ज़रा भी टूट भी नहीं रहा है। हम इस पर यहाँ तेल अप्लाई करेंगे। और इसकी साइड चेंज करके देखिए कितना ज़्यादा प्यारा कलर आया है हमारे पराठे का। इसे हम ऐसे साइड से दबा दबा के देखिए दोनों तरफ बहुत अच्छा कलर आ गया है, इसका मतलब हमारा पराठा बनकर तैयार हो गया है। हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी के पराठे भी हम ऐसे ही तैयार करेंगे। इस पे भी हम सेम प्रोसेस करेंगे। साइड चेंज करेंगे। ये
देखिए हमारे पराठे में बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है, बहुत अच्छा ये बनकर तैयार होता है। ये सेकंड भी हमारा बनकर तैयार है। ये देखिए हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा अंडे का पराठा बनकर तैयार है, और हम एक अंडे से तीन पराठा बनाए हैं, आधा कप मैदा, आधा कप दूध और एक अंडे से हम तीन पराठा बनाएंगे। ये बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा, आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। और रेसिपी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।